थी बहुत टाइम हो गया। मैं मतलब मेरे को रील बनाने का वही जैसा नहीं होता है। ऊंची हूँ हिमालय ठंडो ठंडो, ये ऐसे ना लद्दाख में खाते थे, तो मैंने आज ऐसे बनाई है मिर्ची। मैं यहाँ दादा से बात करने में लगी हुई है। ए स्माइल ले दी इसने। तो ये है नेबुलाइजर मशीन, ये इसके मास्क हैं। आज भी देखना यहाँ झमाझम बारिश लगी हुई है, इतनी मोटी बारिश लगी हुई है। मौसम तो पूरा बंद हो रखा, लग ही नहीं रहा कि भयंकर सूर्य देव भी आते होंगे ऐसे माहौल में। और अभी मेरी मेरी नियो तो सोई है और ये भाई साहब जी नहीं सोए हैं, तो आशा इधर लेके आ रही है इसको। बोलते बोलते बाबू, तू भी बोल अक्कू। अभी तो ये सेम नियति जैसा लग रहा है, दोनों के दोनों सेम लगते हैं कभी कभी तो। अक्कू बोलते ये बाबू, बच्चे मुझे लग रहा छोटे में ऐसे ही लगते हैं ना एक बोलते जैसे। अक्कू, बोलते अक्कू। तो लौंडा है ना, ढीठ है, ढीठ है ना, ढीठ है ना। ओए ओए दानू, बड़ा दानू, बड़ा सारे दानू प्रपोजल में इधर उधर इधर उधर देख रहा हूँ। कोई सोने पे ध्यान नहीं है, भाई साहब जी बल 5 बजे से उठे हुए हैं। कब सोएगा? तुम लोग तो केला नहीं खाओगे ना? ना कब सोएगा? अब कहाँ छोता हूँ मैं, अब कहाँ छोता हूँ मैं। हेलो नमस्ते प्रणाम और कहलाग आप सभी को मेरा, और जुड़े आप सभी को मेरा। तो होप आप सबके एकदम बढ़िया होंगे, अपन लोग भी एकदम मस्त हैं। तो अभी बज रहे हैं दिन के 1 और मैं कर रही हूँ यहाँ पे खाने की तैयारी, क्योंकि अभी ये आएंगे और अभी सोना भी उड़ गई है। तो अभी हाल फिलहाल संदीप है यहाँ उसके साथ, और संदीप पुर 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 सुन रहा है उसकी, बस और कुछ नहीं। भाई साहब उसने परोस दिया, तुम बना रहे हो उसने परोस दिया। कितना एठाटा मुराटा दिखा रही, देखो यहाँ बिजी है भाई पॉटी करने में, बिजी है ना उठने के बाद ऐसे ही करती है पॉटी करने में। गैस पास भी तो करूंगी बोल, बिजी है ना पार्टी हाजरी दे, बिजी है ना। वहाँ हंस रही है देखना। इतना मारूंगी ना बल, मुझे रो रही ना, ना। एक्टिंग अब नहीं रही क्या? बिजी है ना पोटी करने में। ओ भाई ने क्या कर दिया। ओ और बारिश का तो रुकने का नाम ही नहीं है भाई, आज परसों रात से बारिश हो रही है और अभी तक लगातार लगी पड़ी है। हमारे यहाँ तो नाला बह गया, और बाप रे 29-33, ये गाड़ी हमारी है, ये ऐसे लगा रही है, ये हमें हो गई पानी के बहाव से। ये देखो गदेरा आ गया और यहाँ तो सारा पानी भर गया है, देखना ये मौसम तो बिगड़ गया है। खेली खेली करो, खेली खेली ठीक है, खेली खेली करो, खेली खेली, खेली खेली करो, खेली खेली। यहाँ सोना को उसका टैडी मिल गया है जो विदुषी लेके आई थी, अब देखना उससे बात कर रही है ये। ए अवल ए, नहीं सुन रहा है बल, नहीं सुन रहा है ये। तो अब आ गए हैं ये, इन्होंने तो खाना खा दिया, मैं जाती हूँ खाना खाने के लिए, ये बैठेंगे इसके पास। तो संदीप गया था चाफी साइड, तो यहाँ देखने क्या गदेरे आ रखे हैं, और नदी इतनी भयंकर आ रही है चाफी वाली। यहाँ देखो बाप रे बारिश इतनी झमाझम हो रही थी। तो इसको ना जुकाम लगी थी, तो मैंने इनसे नेबुलाइजर सेट मंगाया था, तो ये लेके आए हैं अभी यहाँ पे इसको भाप दिलवाने के लिए, क्योंकि दवाइयाँ भी कितनी वो करेंगे ना। नेजल ड्रॉप तो बहुत पहले मैडम ने दी थी, तो हम इसके डाल रहे हैं, पर अभी थोड़ा सा भाप दिला के देखते हैं, क्योंकि अभी तो पूरे दिन भर इसकी जुकाम ठीक रहती है, जैसी रात से सुबह को उठती है तो इसकी जुकाम फिर मतलब वो नाक बंद होने लगती है इसकी। तो ये है नेबुलाइजर मशीन, ये इसके मास्क हैं, और इसमें 2 मास्क आते ही हैं, एक छोटा एक बड़ा, और ये है इसकी पाइप। तो अब इसको सेट करते हैं पहले। ये देखो दादा की बात हो रही है यहाँ, बड़े टाइम बाद। एक छोटी यहाँ है और एक छोटी, अरे ये टच क्यों नहीं हो रहा है, एक छोटी यहाँ है, अरे कहाँ गई, तुम्हारा फोन है क्या है? ए दादा बोल दे, तू भी दादा बोल दो, दादा दादा कैसे हो बोल दो, अक्कू बोल दे, चल अक्कू बोल दे। इसको देखना यहाँ दादा से बात करने में लगी हुई है। ए स्माइल ले दी इसने, स्माइल ले दी अक्कू।
देख रहा है उसको मॉर्निंग दोस्तों, आज है अगला दिन और अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। अभी तक मैं ना सफाई में बिजी हो रही थी, सुबह उठ के सारे काम निपटाए थे। अभी जस्ट मेरा झाड़ू पोछा हुआ है क्योंकि मैंने सुबह उठ के आज तो पहले नाश्ता ही बनाया था, उसके बाद कपड़े वपड़े धोए, फिर जाके अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाश्ता किया क्योंकि ये उठ गई थी, ये उठी हुई थी, तो इसको मालिश वालिश करके, क्योंकि आज हल्की सी धूप निकली थी, दो दिन से मालिश नहीं हुई थी ठंडे के चक्कर में, तो आज मैंने सुबह इसकी मालिश करी और अभी ये सोई है, तब जाके मैंने झाड़ू पोछा निपटाया अपना। और अभी इनका फ़ोन आया था कि आज क्या वेज पुलाव बना के दे दे मेरे को, और मार्केट में शायद संदीप को गोभी वगैरह नहीं मिली तो पनीर हाल फिलहाल वो लेके आया, तो मैं पनीर का ही पुलाव बनाती हूँ इनके लिए तब तक जब तक ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इनको कुछ ब्रिक्स उठा के ले जानी है, तो संदीप आया है तो ये लोग गाड़ी में भरेंगे, तब तक मुझे पुलाव बनाना है। फिलहाल तो मैं पहले पनीर के पीस कर लेती हूँ यहाँ पे, इसको फ्राई करते हैं, उसके बाद देखी जाएगी कैसे कैसे बनता है। और क्योंकि मैं ही और यही है, ससुर जी भी कल गांव चले गए थे, बता एक भैया जी ने मुझे कमेंट करके बोला था अगर आपकी रोहित से लड़ाई होती है तो आपने क्यों करी शादी। अरे मेरे भाई, लड़ाई कहानी होती है, आपके यहाँ नहीं होती होगी क्या, कैसी बात करते हैं, और कौन से रोज लड़ाई होती रहती है, जब होती है तब होती है, जब नहीं होती तो नहीं होती है। ये तो अपना काम निपटा के आ गई है, मैंने इससे मक्खन मंगाया था ओ लड़के से, और इसने इसको पार्सल किया, इसके तक कुछ और बात पार्सल हुई, और ये ना दूसरा वाला मक्खन उठा के ले आए थे जबकि उन्हें ये वाला मंगाया था जिससे घी बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ घी खत्म हो गया, अब एक ही बचा था तो एक ही लेके आए हैं। और अभी मेरा मसाला तैयार है, यहाँ डलिए हैं, और ये पुलाव 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 ये ऐसे ना लद्दाख में खाते थे, तो मैंने आज ऐसे बनाई है मिर्च, इनके लिए ठुंगार बोलते जैसे हमारे यहाँ, कि मिर्च को बीच से काटो फिर उसमें ऊपर से तेल में फ्राई करो या बटर में फ्राई करो और फिर उसके ऊपर से नींबू निचोड़ दो, मस्त होती है। आप लोग भी ट्राई करके खाना, गजब का स्वाद आता है इसमें मिर्ची का। और मेरा खाना बन ही सका आज, तो मुझे नियति ने इतना टाइम दिया, भाई साहब क्या ही बोलूँ मैं, बहुत टाइम दिया जिसने मुझे, सो गई थी तो फिर मेरे सारे काम निपट गए। लंच भी बन ही गया है क्योंकि आज इनको जल्दी ले जाना था लंच, वेज पुलाव कम और खिचड़ी ज्यादा बनी, क्योंकि पता कि हमारे प्रेशर ने सीटी नहीं मारी, ऊपर से वो जल गए चावल, प्रेशर भी ना कभी कभी धोखा दे जाता है भयंकर, और एंड टाइम पे धोखा देता है। और यहाँ पे हमारी नींव भी उठ गई है, नींव भी उठ गई है, और जब से बारिश हुई तब से मैंने इसकी मालिश आज करी है, मतलब कल परसों तो मैंने इसके सिर्फ पैरों पैरों में मालिश करी थी, आज मैंने इसकी पूरी मालिश करी है, तब जाके ये सोई रही। और रात को पता है क्या, आज मैं 8:30 बजे उठी हूँ क्योंकि कल ये रात को 2:30 बजे सोई। बाप रे, ऐसा हो गया मुझे, ये भयंकर इसने किया क्या मेरी समझ में ही नहीं आया, जबकि ये 7 बजे से उठी थी और 7 बजे के बाद ये मतलब कब 9 बजे थोड़ा सा सोई थी, मतलब 15-20 मिनट के लिए सोई होगी, उसके बाद फिर उठ गई थी, उसके बाद इसने पूरा 12:00-1:30 बजा दिया, ये सोई नहीं, उसके बाद तो मुझे भी नींद आने लगी थी। और पूरा ये मतलब 2:17 कुछ लास्ट टाइम मैंने देखा था जब मैं उठी हुई थी, उसके बाद ये पता नहीं कब सोई, मैं कब सोई कुछ पता ही नहीं चला। तो कहाँ अच्छे से खाना वाना बन के मैंने सोचा था एडिट करने बैठती हूँ, पर ये मुझे एडिट नहीं करने देगी ये लड़की, ये मुझे एडिट नहीं करने देगी, आजकल एडिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये नहीं करने देती क्योंकि एडिट टाइम से, तो कभी कभी व्लॉग लेट भी आ जाते हैं तो उसके लिए माफ़ करना, पर मैं सोचती हूँ मैं फटाफट एडिट करूँ पर फिर ऐसी रह जाती हूँ, क्योंकि फिर काम वाम निपटाओ तो फिर तुरंत एडिट करने का मन भी नहीं करता है कभी कभी, कि यार काम काम जैसा हो जाता है। ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो ऊंची ऊंची हूँ हिमालय ठंडो ठंडो नीसु गंगा जी को छाल ठंडो ठंडो। कितनी चालू है, अभी मैं उसको सुला के आई हूँ, इसका बहुत अभी सो नहीं रहा है यहाँ पे, सुबह से उठा है कोई बात नहीं मम्मा हो जाता है बोलना, ऐसे ही तो होते हैं आजकल के बच्चे। मेरे को बोल रही है रील बनाओ, मैं ना रील बनाने की सोच रही थी, बहुत टाइम हो गया मैं मतलब मेरे को रील बनाने का वही जैसा नहीं होता है, तो आज मैं रील बनाने का यहाँ पे फ्रेम अच्छा आ रहा था, सोच रही थी एक रील तो हम दोनों ने साथ में बना दिए, पर नियति सो रखी है वरना साथ में बनाते, अब बाद में बनाएंगे जब नियति उठ जाएगी। वैसे भी नियति को ला नहीं सकते हो ना, हाँ क्यों ये है, वही दिखाएंगे इन दाणों की, इन दाणों की शक्ल नहीं दिखाएंगे, वो ढूंढ रहा है क्या हो गया नींद
नींद खोगी माँ, नींद खोगी। इधर ही खोई थी वल कल। ढूंढने में लगा, पता है ये सोया था इसके, जब मैं छत में कपड़े डालने गई थी इसके पापा ने इसे सुला दिया था। और उनने ये कहा कि जरा देखना इसके पैर में ना असद जैसी हो रखी है, ये रो रहा था। हाँ देखा वो किया, फिर इसने रोना ऐसे रोया ये, उसके बाद कहाँ सोना कहाँ क्या करना। तो यहाँ पे मैंने मक्खन गलाने रख दिया था, तो यहाँ पे घी रेडी हो गया है। और अब मैं इसको पलट देती हूँ, क्योंकि आजकल बिना घी के तो कुछ चलता नहीं है। मम्मी जो घी लाई होगी वो भी खत्म हो गया है सारा, और अब मार्केट का ही घी खाना पड़ेगा। इनके लिए तो खाना मैंने भिजवा दिया था, और अभी हाल फिलहाल मैं थोड़ा सा खाऊंगी। 3 बज गई है, कब खाऊंगी समझ नहीं आता कभी कभी तो मेरे। मैं जा रही हूँ अभी कपड़े लेने के लिए, कोहरा लग गया है पूरा। अभी दीशु आई थी थोड़ी देर पहले, तो मैं उसके पास भाव को पकड़ा के आई हूँ नियति को, और लाती हूँ फटाफट से कपड़े। यहाँ देखना मौसम कोहरा लग गया पूरा, उधर से भी कोहरा आ गया। मेरे कपड़े यहाँ हैं, सब ले गए यार कपड़े। मैं अपने नीयू के साथ ऐसी रहेगी नीचे, क्योंकि वो सो गई थी पर उठ गई, तब से उसी के साथ बैठी हुई हूँ। चुपी नहीं हो रही थी, चुपी नहीं हो रही थी। ये दोनों यहाँ खेलने पे लगे हुए, कैसे ऐसे चलो कुछ भी साइड देखने इसको छोड़ गए। अभी हंसी होगी, इतना अच्छा वाला खित्ते वाला। अभी 5 बज गई हैं, और हाल फिलहाल मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, क्योंकि ये भी चाय की शौकीन है और मैं भी चाय की शौकीन हूँ। अब चाय बनाते हैं। ये घी का बर्तन अभी खाली करके ऐसे ही रखा है मैंने, रात को इसी में सब्जी बनाऊंगी। 7 बज गई और मैंने यहाँ पे अपनी सब्जी भी बना दी है। ये लोग तो आएंगे थोड़ा लेट, क्योंकि आज ये मोमटी का लेंटर रख रहे, अचानक से पता नहीं शाम को क्या प्लान बना रख दिया। मेरी सब्जी भी बन गई है हाल फिलहाल, और सोना भी उठ गई, तो सोना को मैंने खेल लगा रखा है। सोना वहाँ पे खेल लगी हुई है चुपचाप अपना। और आज तो दादा भी आएंगे खाने के लिए, तो इन्होंने बोला है कि लेट बन, मतलब लेट तो क्या बनाना, 8:30 बजे तक बना दूंगी अगर सोना मुझे बनाने देगी तो, वरना जब ही आएंगे तभी बनानी पड़ेंगी मुझे रोटियाँ, क्योंकि अभी तो 7 बज रही है, अभी तो क्या ही बनाऊँ मैं रोटी इतनी जल्दी। और अभी ये खेल लगी है, बाद में टह टह करने लग जाएगी। तो आजकल वैसे ही लेट आते, कभी ये सामान भूल जाते ना। तो आज मैंने आशा से मंगाया था सामान, ये सब्जी वगैरह, क्योंकि आशा आज मार्केट गई थी स्कूटी लेके, तो उसी से मैंने वहाँ से मंगा दिया, क्योंकि इनके आने आने तक तो कभी ये गाड़ी में होते हैं, गाड़ी में लगाने की जगह नहीं होती है, फिर उस टाइम भी मुझे चाहिए। गए हैं 9 और सोना अभी जस्ट हो गई है, तो मैं भी अब रोटियां बनाती हूँ। ये लोग भी वहाँ से निकलने लग गए हैं अभी, क्योंकि वहाँ ना अचानक से इन्होंने लेंटर रखने का प्लान कर दिया, बारिश की प्रेडिक्शन देखी बल, तो आज रात को बारिश नहीं है, तो इन्होंने फटाफट से लेंटर रखने की तैयारी अभी शाम शाम को करी है। तो अभी वहाँ पड़ रहा है मोमटी का लेंटर, ये और थापा भैया आने वाले हैं डिनर पे, और संदीप थोड़ा लेट आएगा जब लेंटर पड़ जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं अभी। तो तब तक मैं रोटियाँ बनाती हूँ और अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाती हूँ, क्योंकि चार्ज नहीं है मेरा फ़ोन।